ये हम लोगों का बुद्ध विहार, महामाया बुद्ध विहार, ये जनौली गांव निवाड़ी ज़िले में आता है। तो ये निवाड़ी ज़िले में यहाँ पर जो भी हमारी एक्टिविटी चलती है और यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, साथ में जो बच्चे हैं या बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कुछ विकलांग भी हैं या दूसरे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या एक्टिविटी शुरू हो सकती है या क्या आपकी संस्था कुछ क्या योगदान दे सकती है उसके बारे में ये कामता जी हैं। क्या क्या यहाँ काम करते हैं आप? मैं खेती को काम करता हूँ। और जो बच्चों को पढ़ाने का? बच्चों को पढ़ावे का कह रहे नाती जात पर भी। हाँ, नाता ना बच्चा तो। और आपके यहाँ ये विकलांग लोग कितने हैं? विकलांग एक लड़का है बाबा को, आँखन से हाँ कमजोर है, और जो और लंगड़े एक विकलांग मोड़ा। हाँ हाँ, एक नाती है। हाँ, वो बोल नहीं पाता। लंगड़ा है? लंगड़ा नहीं। अच्छा, बोल नहीं पाता है? बोल नहीं पाता। अच्छा, और कोई बताओ। तो ये जो और तो इनके माता जी हैं, पिताजी हैं, या जो हमारे बौद्ध धर्म के बंते जी हैं और ये बंते उपाली हैं, तो बंते जी बोलिए थोड़ा सा, इसी में रिकॉर्ड हो जाएगा जी। देखो, धार्मिक एक्टिविटी तो हमारी चलती ही है, साथ में शिक्षा का काम भी करते। हाँ, शिक्षा भी काम करते हैं और गांव के जो भी बच्चे हैं तो उन्हें कुछ पढ़ाने का भी काम करते हैं, शिक्षा का बुद्ध विहार में। और ये ग्राम जनौली ओरछा निवाड़ी मध्य प्रदेश में आता है, तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी कम से कम 20 साल से चल रही है जी। और ये बुद्ध विहार इतना बना है छोटा मोटा, इसी में हम लोग बैठते रहते हैं और भगवान बुद्ध और बाबा साहब का प्रवचन भी करते रहते हैं, सब संगत होती रहती है। कोई बाहर से दिल्ली से आएंगे या मान लीजिए कहीं से आए, तो क्या उनका क्या बता पाएंगे आप लोग यहाँ? आप बोलते जाओ, आप लोग जो बोलना जैसे बोलिए। तो यहाँ बाहर से आए तो उनके लिए यहाँ की दिखाएंगे और जो भी है हमारे पास देख के उन्हें सम्मान भी करेंगे और अपने बच्चों का नगरवासियों का जो सहयोग है सेवा में लगाएंगे जी। तो क्या एक्टिविटी ऐसी हो सकती है? तो ऐसा ये जो यहाँ के जो लोग हैं, तो ज़्यादातर जो भगवान बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले हैं और बाबा साहब से ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो ये बाबा साहब की बात को, उनकी शिक्षा को मानने वाले लोग हैं और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको इसका वीडियो भेजेंगे, तो इससे आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ इसमें एक्टिविटी में कुछ क्या काम हो सकता है। तो इसमें छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं या जो भी, और खेती वगैरह का काम भी है, जैसे कहीं पेड़ लगाने के काम आते हैं या बंजर भूमि पड़ी है तो वहाँ बंजर भूमि में पेड़ लगाने का काम हो सकता है, तो ऐसा करके वो लोग फिर बाद में देखेंगे आपके।